हाँ यूट्यूबर ऑटोग्राफ फोटोग्राफ चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले जी, अल्लाह हाफिज़। तो जी हम यहाँ पर अपनी कश्ती में बैठ गए हैं जो कि चल नहीं सकती, ये वही है जैसे मेरा चैनल नहीं चल रहा अभी तक, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो रहे नहीं हो और ऐसे ही चले जाते हो, तो प्लीज़ यार वीडियो देख लिया करो, अगर आप वीडियो देखोगे तो शायद मेरी ये कश्ती भी चल पड़े। तो जी शुरू होता है हमारा बैड लक इस जगह से रात के 2:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी आज हम जा रहे हैं पिकनिक पर, तो टाइम हो गया हुआ है 12:01 बजने वाला है और हम फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं पिकनिक पर। ये वीरानी और सुनसान गलियों पर इंतज़ार हो रहा है बस के आने का, और आप देख सकते हैं, और ये रहे हम फुल टिप टॉप होकर, और भाई साहब को पता नहीं क्या हो गया। अजान हो गई हुई है पूरी और हम वेट कर रहे हैं बस का, बस अभी तक नहीं आ रही और हमारी तैयारी चेक करें आप। ये देखो हमारी आज चालू आई है छोटी बच्ची जो पहली बार जा रही है। बंद करेंगे जरा, चुप करेंगे जरा। प्रधान मामू को और जी सारा हमारी फुल गुस्से में है कि भाई कब आएगी बस हमारी, सारा गुस्से में है। रिजवान भाई भी वेटिंग पर हैं और रिजवान भाई की तैयारी चेक करें आप। फुल अन्नी पादो पोपलम और सारी पिकनिक तो रिजवान भाई ही कर रहे हैं। 3,000 years later और अरीब कुत्ते के साथ कुत्तापन करते हुए। तो हम गली के एक तरफ वेट कर रहे थे और गली के बैक साइड पे बस खड़ी हुई थी, वो भी परेशान, हम भी परेशान, सब परेशान हो गए। और हम सामान इतनी मुश्किल से यहाँ लाए थे, अब हमें दूसरी तरफ लेके जाना पड़ रहा है। और ये जी अब हमारा बस का सफ़र हो गया, वह स्टार्ट बीच की ख्वारी आगे चल के आपको बताती हूँ। तो कहानी का आगाज़ शुरू होता है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि रात के बज रहे थे 2:30 और हमने किया एक ऑटो बुक जो कि 9-सीटर था। उसने कहा भाई साहब 1500 लेंगे, हमने कहा भाई 1500 तो नहीं, आप जो है 1200 ले लें। लेकिन उसने कहा नहीं भाई हमारे बारे में नहीं आता। बस यही बातचीत हो रही थी कि हमारे दिल में पता नहीं क्या आई कि हम कहते हैं कि ऊबर पे ट्राई करते हैं, और ऊबर हम मांग रही थी 300 रुपये, हम दो गाड़ियां करते हैं, हम लालू खेत पहुँच जाते और 600 रुपये में हम पहुँच जाते। तो हमने कहा कि हम 1500 क्यों दें, हम भी सड़े शाने बने, और 1500 बचाते हुए हम जब घर आए तो घर जाके जब ऊबर करवाने लगे, एक तो ऊबर 2:30 बजे कोई था नहीं और ये छोटा सा समंदर बीच में आ गया, तो जी ऊबर तो कोई था नहीं। और बाद में ऊपर देखा तो वो लालू खेत नहीं, लाल कोठी सच हुआ हुआ था। और जब ऊबर करने लगे तो 800-800, लेकिन और को ड्राइवर भी इन ड्राइवर से या ऊबर से नहीं आ रहा था। रात 2:30 बजे प्लान अचानक बना और 1 बजे की टाइमिंग के साथ तय हो पाया कि हमने पिकनिक पर जाना है, और उसके बाद से सब भागने लग गए और भागम दौड़ी में ये सारी चुनौतियाँ हुई और पूरी रात हम सोने को नहीं मिला और सोच और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हुआ है। और अब आगे चल के देखते हैं, हमारा सफ़र हो गया बस शुरू 5 बजे से और अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का। और जी नबा फुल एक्साइटमेंट में, बच्चे सारे बहुत एक्साइटेड हैं और हमारा सफ़र भी बहुत जो है ना हमने तय कर लिया हुआ है। बाकी का सफ़र जो है ना वो गाते माते हंसते गुजर रहा है, अब आगे जाके पनौतियाँ ना हो, और यही दुआ करते हुए हम पहुंच गए हुए हैं ठट्टा की हदूद में। और ये रेंजर्स हेडक्वार्टर था और ये यहाँ पर हमने ब्रेक लिया हुआ है, सब पानी वानी जो भी चाहिए, चाय वाय नाश्ता पानी, क्योंकि सब सारी रात के जागे हुए थे, खाना पीना तो किसी ने कुछ किया नहीं, तो हमने सोचा चलो यहाँ पर बस रुकवा कर कुछ चाय शाय ली जाए और इंजॉय किया जाए, और मान साहब ये तंग करते हुए ब्लॉग में आना है, आ जाए आप भी आ जाए।
गए यहाँ पे वॉशरूम में, वॉशरूम में 5 मिनट का रास्ता रह गया। तीन बुलंद गए वो हमारी तीन हिट गए। तो ये जी अली हैं, और हमने भी सोचा कि हम भी नीचे उतर के थोड़ा जो है ना चिल मॉल किया जाए। आगे बिल्कुल सूझी नहीं है एक मिनट की भी, जो नींद नहीं ली सारा दिन, सारी रात जो थे वर्किंग में थे। और फाइनली जी हमने जो टी ब्रेक लिया था, तो टी जो है वो और जी टी आ गई भी है तो। अजनबी जगह पर और बिल्कुल इस तरह के माहौल में चाय पीने का अपना ही मज़ा है। और ये हमारी सारा, और यहाँ पर ये कुछ हैंडक्राफ्ट बनाए हुए हैं जो कि सेल कर रहे हैं। तो जी नाश्ते वास्ते से फारिग हो गए हैं और हमारा सफ़र कंटिन्यू है, और हम पहुँच चुके हुए हैं ठट्ठा केंजर झील, करली झील भी जिसको कहते हैं। तो दो नाम है पर झील एक ही है। और ये खूबसूरत मंजर पेश करते हुए, और इस वक्त मुझे पता कौन सी वाइब्स आ रही हैं, ज़िंदगी ना मिले दोबारा की फरहान अख्तर की, वो शायरी की। तो आप बस वो इमेजिन कर लें शायरी, नहीं तो जाके गूगल पे या यूट्यूब पर सर्च कर लें, और बिल्कुल वही सेम वाइब्स आ रही हैं। तुम जिंदा हो, अगर सांस ले रहे हो तो तुम जिंदा हो, लाइक इस तरह की कोई शायरी थी। तो हम यहाँ पर शायरी को साइड पर रखते हैं और व्यू जो है उस पर फोकस करते हैं। तो जी यहाँ पर हो रही है हट बुकिंग, और यहाँ पर ज़्यादा रश भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं हम यहाँ पर 144 की दफ़ा लगी हुई है। हाँ, यूट्यूबर ऑटोग्राफ फोटोग्राफ चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चले जी अल्लाह हाफिज़। तो जी हट बुक हो गया हुआ है, और अब एडजस्ट कर रहे हैं हम, ज़रा बाहर निकला है। हमने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखाते हैं, नहा हम सकते नहीं हैं, और हम 3 घंटे के सफ़र करके यहाँ पर सिर्फ खाना खाने आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊँगी, आप बस व्यू चेक करें। तो ये एक आइलैंड मिला है बीचों बीच, झील के बीचों बीच जो है हमें एक आइलैंड मिल चुका हुआ है, और हम इस पर कब्जा मारने की सोच रहे हैं। 2:30 बजे की जो पनौती थी वो आपने देखा कि बस ये सारा चताम झाम और नींद नहीं पूरी सारी रात से, और उसके बाद जो है अभी 8:30 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जी हम यहाँ पर अपनी कश्ती में बैठ गए हैं जो कि चल नहीं सकती, ये वही है जैसे मेरा चैनल नहीं चल रहा अभी तक, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो रहे नहीं हो और ऐसे ही चले जाते हो। तो प्लीज़ यार वीडियो देख लिया करो, अगर आप वीडियो देखोगे तो शायद मेरी ये कश्ती भी चल पड़े। जैक तो कहीं पर है नहीं, तो रोज हुआ है, तो करली झील पर रोज हो रहा है, और ये हमारी सस्ती रोज। हेलो, तो जी हमारी एक सब्सक्राइबर है, कैमरा मैन कहेगा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इन्होंने मुझे वहाँ पकड़ लिया था। तो ये आप है मेरे सब्सक्राइबर, ये हाँ, तो ये हाँ ये दो सब्सक्राइबर मिल गए। अब ये देखे यहाँ पर भी फैन मेरा वो नहीं छोड़ते, मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं जा। तो जी ये है हमारे रिश्तेदार, हमारे बहुत दिल अजीज, और ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। सबसे पहले हमारे रिश्तेदार हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो ये दुआ है, ये हानिया है,
और हम लोग जो है ना फुल अन्नी बातों प्रॉब्लम कर रहे हैं। मौसम बड़ा खूबसूरत है और ये देखें नज़ारे चेक करें और हवा ये मछली फंसी है इसमें हाँ कि नहीं गजब बेइज्जती है। ये वही बच्चा जो है ना वो मछली यहाँ से पकड़ के ला रहा है और इसमें डाल रहा है। ये री, ये री, ये री। नहीं नहीं ओ ये री, ये री, ये री, ये री, ये री, ये री। ये तो इस बोतल में ही है ये सिप्पी क्या बात छोटे माटे छोटे तो जी अर्थरूल की तरह हमारे खेमे लग चुके हैं। वो हमारा खेमा है और हम अपने खेमे की तरफ जाते हुए और इन पत्थरों में की मुशक्कत में पत्थरों में हम हाँ गिर रहे हैं वैसे ही बहुत गिरे हुए और मजीद गिर रहे हैं वैसे ही हम गिरे पड़े हैं मजीद गिर रहे हैं। तो ये जी हमारे मानसा फुल एक्शन में अन्नी पादो प्रॉब्लम और ये रवाना हो रहे हैं 12 तारीख को नहीं 5 तारीख को 12 बजे दुबई। अरे भाई दुबई 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 वाली शक्ल तो दिखा दे इधर जरा दुबई वाली शक्ल दिखा दे ये अच्छा था आप इधर आ जाओ आप इधर जा रही वन फोर्टी फोर के दफ़ा के मुताबिक आप किसी झील या समंदर में नहा नहीं सकते लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने अब एक लिमिट बांधी हुई क्योंकि फैमिली सोर्ट भी बहुत सारी आ रही हैं। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं धुंधला धुंधला सा तो उसके मुताबिक जो है ना अब हमें एक लिमिट के हिसाब से ना नहाना पड़ेगा और रेस्क्यू टीम जो है ना फुल अलर्ट है। कौन है कौन नहीं है। अच्छा जी आप कुछ आप कुछ कह रही थी कहाँ है आप भाई इकरा नसीरा में चैनल पे रूबी होस्ट हाँ आज हम लोग करनी झील पे फैमिली हमने इनको एज अ होस्ट रखा अपने चैनल पे तो क्लैपिंग हो जाए जरा इनके लिए ये क्लैपिंग। अच्छा जी होस्ट भी करे जी होस्ट भी करे अभी देंगे ये देखे हमारे कैसी होस्ट है इनको मना कर रही है। खाने में बहुत कुछ है और आज के ब्लॉग ठुड्डे मिलेंगे फिर तो फायदा ही नहीं और हम खाए नहीं गए आप प्लीज व्यू तो दिखाएं। अच्छा जी ये हमारा व्यू है कैमरामैन जी कैमरामैन व्यूज दिखाएगा व्यू दिखाएगा क्या ये देखे जी ये और ये पर हमारी होस्ट है देखे जी और ये होस्ट देखे आपको ऐसे होस्ट कहीं नहीं मिलेंगी जी। अच्छा जी तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ये तो जी नहाने से पहले सोचा कि थोड़ी पेट पूजा की जाए और हमने ये जी अपने खाने के डब्बे निकाल लिए और पहले हम खाना खाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। सारा फुल एंजॉय कर रही है इस वक्त बोर्ड में बैठ के ना मारी जान माशाल्लाह। और सारा 4:30 बजे से ही गुस्से में है और हिबा उसको प्यार करके उसका गुस्सा ठंडा करते हुए कि भाई बस करो गुस्सा अब हम आगे में हवा में तो ये जी मालिश हो रही है फुल थकने के बाद नहाने के बाद ये जी मालिश हो रही है उस लबेशीरी सा हो रहा है उसका क्या कसूर है राहिल जो पीछे है जो मालिश कर रहा है उसका क्या कसूर है। हाँ जी मान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे कोई विशेष टिप्पणी आप भी थके हुए हो रहा है चिल सकून बस में भी सकून यहाँ भी सकून।
कौन चाहिए? शादी नहीं करना चाहिए, शादी भी नहीं करना, सुकून रहेगा। चार करना फिर सारा सुकून जाएगा भाई। नंगा नहीं करना बस भाई, नंगा मत करना। ये हमारे मान साहब है मसाज लेते हुए, तस्वीर डालिएगा, ये जाएगी वीडियो यूट्यूब पे। इधर देख ले मान साहब, विक्ट्री साइन, ये तो इतनी सारी ख्वारी करने के बाद, 3 घंटे सफ़र करने के बाद और 3 घंटे पानी में एंजॉय करने के बाद, अब बारी है जी वापस जाने की। और 2:30 बजे का टाइम है और हम सब वाइंड अप कर रहे हैं, अपने खैमे जो हैं वो खाली कर रहे हैं, पैकिंग शुरू है। अम्मी कोने पे मौजूद हैं इस वक्त और यहाँ पर चिल माहौल चल रहा है। ओ भाई जाने के लिए तैयार हैं सब, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये हमारे एक सब्सक्राइबर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ये हमें मिल गए, कर लीजिए पे, ठीक है? तो भाई वॉच कर दिया, अगर अपना नाम बता दो। अब्दुल अहद, तो जी हमारे अब्दुल अहद बहुत प्यारे हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो जी इस तरीके से आप प्यार दिखाते रहें और जो है ना खुश रहें। 2:30 बजे से जो पनौती स्टार्ट थी, ऐसे कैसे हो सकता है कि मस्जिद पनौती ना होती? हम सब जाने के लिए तैयार थे और एक बच्चा मिसिंग था जो कि अपना नाम भी नहीं बता सकता। ये ब्लॉग कब में जाएगा? चलो शुक्र है मिल गया। नहीं मैं दुआ कर रही थी, जैसी दुआ की मैं दुआ कर रही थी, जैसी दुआ खत्म हुई पीछे से आवाज आई कि बच्चा मिल गया। नहीं 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 बच्चे पूरे होने चाहिए। नहीं 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 कर लेंगे। ये आप चली जाओगे, मैं ब्लॉग पे चला जाऊंगा। हाँ तो ये बच्चा था जो घूम गया था, अब मार मार से नंगा कर दिया है, तो ये रहा वो बच्चा। ये मिल गया। आजो आजो आजो। तो जी अब हम जा रहे हैं घर वापस, खूब एंजॉय किया 3 घंटे पानी में, जबकि 144 की दफ़ा लगी हुई थी, लेकिन एक हदूद थी जिस हदूद में रहकर हमने काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी मज़ा भी आया और लाले लाले के नारे भी लगाए फुल पानी में और पूरी एंजॉय, मतलब फुल अनिवादो प्रॉब्लम हुआ। स्टार्ट जो था वो बहुत ही पनौती अमेज था, लेकिन ये कहते हैं कि एंड भला तो सब भला। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और पूरी वीडियो वॉच करके जाइएगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा जो कि एक बहुत पीसफुल और मीनिंगफुल जो वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और इस दुआ के साथ कि आप अपनों में रहेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे और आप मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ा आया।